हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्रेडियंट एकेडमी। मैं हूं सचिन यादव और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2022 का फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम जो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है, ए स्टडी 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय ए स्टीम फंक्शन, और हमें स्टीम फंक्शन दिया हुआ है वेयर एक्स वाई आर इन मीटर एंड द कॉन्स्टेंट के इज वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन एट ए पॉइंट एक्स वाई 1 1 मीटर इज, ये हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलेशन कैलकुलेट करनी है। सो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टीम फंक्शन क्या होते हैं। स्टीम फंक्शन इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम एक्स वाई जेड टी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो, वेदर फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। तो हम जो वेलोसिटी और स्टीम फंक्शन का रिलेशन है, जैसे हमारा जो स्टीम फंक्शन है वो है के एक्स क्यूब वाई। यहाँ पे के की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 1 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये 2D फ्लो है, तो जो फाई है वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ये कितना है, के एक्स क्यूब वाई। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब वाई। अब देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर ये हमारा कोई स्टीम फंक्शन है। तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है ये वाई है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यू और ये हो जाएगा वी। सो रिलेशन क्या है स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी का, यू इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्टीम फंक्शन साई बाई वाई एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन दैट इज वी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साई बाई साई एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा वेलोसिटी और स्टीम फंक्शन का रिलेशनशिप है। तो हमारा स्टीम फंक्शन एक्स क्यू वाई, तो हमारे जो वेलोसिटी आ जाएगी यू आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू वाई और वी आ जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स क्यू वाई। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वही टर्म रहेगी, बाकी और टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई वेरिएबल रहेगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स क्यूब हमारा यू आ जाएगा एक्स क्यूब, और सिमिलरली वी का क्या रहेगा, यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स का -3x² y, ये हमारा वी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलेशन। तो देखो, मान लो इसी पॉइंट के ऊपर एक्सेलेशन ए एक्स और ए वाई, दो एक्सेलेशन होंगे। तो देखो, हमारा जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो देखो, यहाँ पे हम करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, डी यू बाय डी टी, ऐसे ही इसको वाई को लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी। हम अब यू को कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ए वाई को भी ऐसे लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। देखो, फर्स्ट टर्म इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सेकेंड वाला कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। डी एक्स बाई डी टी हमें पता क्या है, ये
यू होता है, और डी वाई बाई डी टी वी होता है, ये यू के वी। तो हम ए एक्स को लिख सकते हैं यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी वाई। वैसे ही ए वाई कितना हो जाएगा, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी वाई। अब हमारे पास यू पता है हमें और वी पता है, यू का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन देख लेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स, हमारा यू कितना है एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x2। अब यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, डी यू बाई डी वाई। अकेला वाई है ही नहीं तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो डी यू बाई डी वाई 0 हो जाएगा। सिमिलरली वी को डी वी बाई डी एक्स देख लेते हैं, वी क्या है -3x2y। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ -3x2y। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो -6xy आ जाएगा, और डी वी बाई डी वाई डी वाई ऑफ -3x2y। तो यहाँ से जब ये करेंगे तो -3x2 बच जाएगा। अब हम ये वैल्यू कहाँ पे एक्सेलेरेशन में पुट कर देंगे। सो ए एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना है 3x2 इंटू यू, 3x2, और यू कितना है हमारा, यू है x3 इंटू x3 प्लस वी कितना है हमारा, वी है हमारा -3x2y, -3x2y इंटू डी यू बाई डी वाई कितना है 0। तो हमारा ए एक्स आ जाएगा 3x5, ये हमारा ए एक्स आ गया। सिमिलरली हम ए वाई निकाल लेंगे, ए वाई कितना आएगा, यू डी वी बाई डी एक्स, हमारा यू कितना है x3, और डी वी बाई डी एक्स है हमारा -6xy, -6xy प्लस वी कितना है हमारा -3x2y, और डी वी बाई डी वाई कितना है हमारा, ये है हमारा 3x2, ये भी -3x2 है। तो ये अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6x4y। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x4y। देखो प्लस 9x4y -6x4y, तो नेट कितना हो जाएगा 3x4y, ये हमारा ए वाई आ गया। अब उन्होंने एक्सेलेरेशन पूछी है पॉइंट्स के ऊपर, तो हम किस पॉइंट पे पूछी है उन्होंने एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन पूछी है उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 मीटर होगी। तो देखो जब एक्स की वैल्यू ए एक्स एट एक्स इजिकल टू 1 एंड वाई इजिकल टू 1, तो यहाँ हो जाएगी 3, एक्स 1 है, और ए वाई एट एक्स इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू 1 हो जाएगी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगी। तो ए एक्स कितना आ गया 3, ए वाई कितना, अब हमें ए नेट निकालना होता है। ए नेट किसके बराबर होता है, ए एक्स जैसे ये आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 3i कैप प्लस 3j कैप। तो हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3² + 3² / √ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट। तो ये आ जाएगा 9 9 / 18,
और जब 18 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 4.2426। ये हमारा आंसर हो गया। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है इंटीजर टाइप था तो यहाँ पे आ जाएगा 4.24। इन्होंने 2 डेसिमल तक पूछा तो हम इसका आंसर कर देंगे 2.24। सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।